चलिए सबको गुड आफ्टरनून। आप भी जल्दी जल्दी लाइव हो जाइए ताकि मैं टॉपिक स्टार्ट कर सकूं। और सब लोग प्रणाम बोल रहे हैं सबको, प्रणाम और गुड आफ्टरनून। मिथिलेश कुमार प्रणाम, हिमांशु कुमार बोल रहे हैं गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। आप लोग भी जल्दी जल्दी जुड़ते जाइए। चलिए तो टाइम को देखते हुए हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं डिटरमिनेंट। आपके आरएस अग्रवाल वाले बुक में मैट्रिक्स जब खत्म हो जाता है तो एक लास्ट चैप्टर मैट्रिक्स का है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, जिसको मैंने नहीं पढ़ाया। नहीं पढ़ाने का कारण था कि डिटरमिनेंट का उसमें इस्तेमाल होता है, डिटरमिनेंट के प्रॉपर्टी का इस्तेमाल होता है जिसको आप जानते नहीं हैं, जिस कारण हम उस चैप्टर को नहीं पढ़ाए। यानी आप इनवर्स अभी नहीं पढ़ने वाले, इनवर्स में डिटरमिनेंट के क्लास के बाद पढ़ाऊंगा। और डिटरमिनेंट के बाद फिर से आपका मैट्रिक्स आएगा जिसमें मैट्रिक्स का एडजोइंट और इनवर्स फिर से दिया हुआ है। तो आप क्या करें, उस टॉपिक को छोड़ दें और आज जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको देखिए और समझिए। और इसमें डिटरमिनेंट वाले चैप्टर में खास बात है कि आप उसको समझने का कोशिश करिएगा, ये ना कि रट्टा मारना है। अगर आप बेसिक समझिएगा तो आपको कैलकुलेशन करने में बहुत आसानी होगा। और हम पिछले क्लास ही बोल चुके थे कि सब लोग डिटरमिनेंट को मानसिक रूप से टफ बना लेता है, कारण है कि कैलकुलेशन नहीं करते हैं। आप आराम से कैलकुलेशन करिए, समझिए, तो आपको डिटरमिनेंट बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग आज पढ़ने वाले हैं डिटरमिनेंट। चलिए सब लोग गुड आफ्टरनून बोल रहे हैं, सब लोग जुड़ भी गए हैं। चलिए तो डिटरमिनेंट पढ़ने से पहले हम लोग टेंथ का कुछ कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद समझेंगे कैलकुलेशन से, और फिर देखेंगे डिटरमिनेंट होता क्या है। अभी डिटरमिनेंट से कोई मतलब नहीं है। तो आपको टेंथ में लीनियर इक्वेशन पढ़ाया जाता था, दो लीनियर इक्वेशन एक्स और वाई में, और एक्स और वाई का वैल्यू निकाला जाता था। एक्स और वाई का वैल्यू निकालने का दो तीन तरीका था, सब्स्टिट्यूशन, ट्रांसफॉर्मेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जिसको हिंदी में वज्र गुणनखंड या कैची गुणांक विधि बोलते हैं। तो चलिए हम लोग उसी को देखते हैं थोड़ा सा। मान लीजिए आपके सामने दो इक्वेशन दिया हुआ है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू जीरो, और दूसरा इक्वेशन आपको दिया हुआ है, मान लीजिए a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू जीरो। आप क्या करते थे, इसको सॉल्व करके x और y का वैल्यू निकालते थे। बहुत तरीका था, मैंने नाम पहले से बोल दिया, ट्रांसफॉर्मेशन था, सब्स्टिट्यूशन था और एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हम बहुत सारे मेथड के बारे में नहीं जाएंगे, बस हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इस्तेमाल यहाँ करना है क्योंकि इसका हम लोग यूज करने वाले हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या करते थे, एक्स वाला टर्म ऊपर एक्स लिखते थे और एक्स वाला टर्म ढक देते थे। एक्स वाला टर्म ढकने के बाद आप क्या करते थे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते थे। नीचे में लिखते थे b1c2 - b2c1, उसके बाद आपका पहला प्लस लेते थे, दूसरा माइनस। अब एक्स के बाद वाई लेते थे, वाई बाय,
अब क्या करते थे, वाई का टर्म ढकते थे, तो वाई का टर्म ढकने के बाद कोना कोनी गुना करके घटा देते थे, ए वन सी टू माइनस ए टू सी वन, उसके बाद आप क्या करते थे, प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद फिर प्लस, तो वन। अब क्या करते थे, कांस्टेंट टर्म ढक देते थे, कांस्टेंट टर्म सी वन और सी टू को ढकने के बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके घटा देते थे, तो ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन। इसके बाद क्या करते थे, अगर x का वैल्यू निकालना होता था तो x वाला और सबसे अंतिम वाला टर्म लेते थे, तो यहां से आपका x का वैल्यू निकल जाता था, तो यहां से आपका x का वैल्यू मैं डायरेक्ट कैलकुलेट कर रहा हूं, b1 c2 माइनस b2 c1 डिवाइडेड बाय ये वाला टर्म a1 b2 माइनस a2 b1। सिमिलरली माइनस वाई का वैल्यू निकलता था, तो माइनस वाई का वैल्यू तो माइनस को उधर कर देते थे, तो वाई का जो वैल्यू मिलेगा माइनस, अब ये नीचे टर्म है उधर जाएगा, तो आपका ए वन सी टू माइनस ए टू सी वन डिवाइडेड बाय ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन। इस तरह से आप लोग एक्स और वाई का वैल्यू निकाल लेते थे। आपको कभी कभी ये फॉर्मूला याद भी रहता था, कभी कभी याद नहीं रहता था, तो याद नहीं रहता था तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का इस्तेमाल करते थे। सबसे आसान है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का इस्तेमाल करना। अब बात आता है कि अगर मान लिया जाए आपको ये फॉर्मूला रटने बोले x का वैल्यू के लिए, x का वैल्यू b1 c2 minus b2 c1 by a1 b2 minus a2 b1, y का वैल्यू बोले रखने, तो माइनस ऑफ ए वन सी टू माइनस ए टू सी वन बाय ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन, तो आप क्या करेंगे, रट लेंगे, कुछ दिन के बाद हो सकता है आप भूल जाए। तो मैं आपको एक ट्रिक सिखाता हूं, जिस ट्रिक्स को बाद में हम लोग डिटरमिनेंट का नाम दे देंगे। तो देखिए वो ट्रिक्स क्या करते हैं, मान लीजिए आपको एक्स का वैल्यू निकालना है, तो क्या करिए, देखिए बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन, तो बी आप क्या करिए, एक्स वाला ढक दीजिए और जैसा है कॉफिशियंट को उतार दीजिए, तो b1 b2 c1 और c2, और इसको आप समझिए कुछ चीज है क्या, b1 कोना कोनी, b1 c2 माइनस b2 c1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसको समझिए इस पिक्चर का, b1 c2 माइनस b2 c1, ये ऊपर वाला पिक्चर का वैल्यू है। मान लीजिए नीचे को भी पिक्चर में सेट करना है, नीचे को पिक्चर में सेट करना है, तो ए वन ए टू बी वन और बी टू। सिमिलरली देखिए नीचे वाला भी आपका पिक्चर बन गया, ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन। सिमिलरली अगर वाई का वैल्यू चाहिए, तो वाई का वैल्यू चाहिए तो माइनस ऑफ जो है एक ऊपर पिक्चर बनाते हैं, ए वन सी टू माइनस ए टू C1 डिवाइडेड बाय, नीचे भी एक पिक्चर दे देते हैं, A1 B2 माइनस A2 B1। तो ये पिक्चर रखना बहुत आसान है, इसमें आप कभी भुलाइएगा नहीं। क्या नहीं भुलाइएगा, कि अगर आपको x का वैल्यू चाहिए तो x वाला टर्म ढकिए, जैसा है कॉफिशियंट वैसा उतार दीजिए, B1 C1 B2 C2 B1 C1 B2 C2 डिवाइडेड बाय, नीचे में भी कुछ होता है, क्या होता है, कॉन्स्टेंट टर्म ढक दीजिए और ए वन बी वन ए टू बी टू, ए वन बी वन ए टू बी टू लिख दीजिए। सिमिलरली एक्स के बाद वाई, बस याद रखना कि अल्टरनेट चलता है, पहला प्लस दूसरा माइनस, तो माइनस लिख दिए। अब वाई वाला ढक दिए, ए वन सी वन ए टू सी टू, ए वन सी वन ए टू सी टू डिवाइडेड बाय, नीचे में भी कुछ होता है, क्या होता है, कॉन्स्टेंट टर्म, ए वन बी वन ए टू बी टू, ए वन बी वन और ए टू बी टू। तो इस प्रकार से पिक्चर का वैल्यू आप आसानी से रख सकेंगे। बस पिक्चर को, इस पिक्चर को यह समझना है कि b1 c कोना कोनी गुना करके घटा देना है, इधर से लेफ्ट टू राइट से b1 c2 माइनस b2 c1। तो यहां से आप देखेंगे कि आपको अगर x का वैल्यू रटना है तो पिक्चर से आप आसानी से रट सकते हैं। आपको ये रटने देगा तो थोड़ा टफ हो सकता है, लेकिन पिक्चर कभी टफ नहीं होगा। और ये पिक्चर ही, ये जो डंडा दिए, इसी को हम लोग डिटरमिनेंट बोलते हैं। डिटरमिनेंट कुछ होता नहीं है बेसिकली, डिटरमिनेंट क्या होता है कि ये किसी
चीज का एक पिक्चर होता है, बस उस चीज को हम पिक्चर बना दिए, पिक्चर से समझने लगे, और पिक्चर जो है किसी चीज का, पिक्चर जो है वो किसी चीज का वैल्यू है। तो बेसिकली किसी वैल्यू का जो पिक्चर है वही डिटरमिनेंट है। अगर आपको ऐसे रटना एक्स का वैल्यू, तो हम आपको ऐसे दिखा देते कितना आसान है। कितना आसान है देखिएगा, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो, और दूसरा इक्वेशन ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो। अगर इसको हम लोग सॉल्व करके एक्स और वाई का वैल्यू निकाले, जो निकलेगा अगर पिक्चर से रटेंगे तो बहुत आसान है। पिक्चर क्या बोलता है कि एक्स का अगर वैल्यू चाहिए, ऊपर भी क्या करिए एक्स वाला ढक दीजिए और जैसा कोफिशिएंट उतार दीजिए, बी वन सी वन बी टू सी टू, और एक डंटा लगा दीजिए। डंटा का मतलब क्रॉस करके घटा देना है, डिवाइडेड बाय, अब कांस्टेंट टर्म ढक दीजिए। कांस्टेंट टर्म ढकने के बाद आप फिर से कोफिशिएंट लिख दीजिए, ए वन बी वन ए टू बी टू, तो क्या होगा ये एक्स का वैल्यू निकल गया। बस आपको इस पिक्चर के बारे में ये समझना है कि ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके घटा देना है, बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन, और ये बहुत आसान है, ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन। वाई का वैल्यू चाहिए, कुछ नहीं, पहला प्लस था तो दूसरा माइनस लिख दिए, अब माइनस लिख दिए, वाई वाला ढक दिए, वाई वाला ढकने के बाद ऊपर एक पिक्चर बना दिए, ए वन बी वन, सॉरी वाई वाला ढक दिए, ए वन सी वन ए टू सी टू डिवाइडेड बाय कॉन्स्टेंट टर्म ढक दिए, तो ए वन बी वन ए टू और बी टू। इस प्रकार से आपका एक्स और वाई का वैल्यू निकालना बहुत आसान हो जाएगा। और इस मेथड से एक्स और वाई का वैल्यू निकालना, ये मेथड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से ही आया है, और इसमें जो इस्तेमाल करते हैं वो इसको हम डिटरमिनेंट बोलते हैं, इस पिक्चर को। बात सबको समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है, जल्दी जल्दी बताइए कि आप इस पिक्चर को समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। सबको समझ में आ रहा है, चलिए बहुत अच्छा, सब लोग यस बोल रहे हैं। तो आप क्या समझे कि मान लीजिए एक पिक्चर है, पिक्चर में ए बी सी और डी दिया गया है। इस पिक्चर का मतलब होता है कि ये किसी वैल्यू का पिक्चर से दर्शाया गया है, और इस पिक्चर को सॉल्व करने के बाद क्या निकलता है, ए डी माइनस सी बी या बी सी, आप जो लिखें। अगर आपको एक पिक्चर दिया रहेगा दो तीन पांच सात, तो इस पिक्चर को कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके घटा देंगे, टू सेवन जा फोर्टीन माइनस थ्री फाइव, थ्री जा फिफ्टीन, तो फोर्टीन माइनस फिफ्टीन तो माइनस वन, तो ये पिक्चर ही डिटरमिनेंट कहलाता है। तो सीधा सीधी आपके पास जाते हैं, एक बात को बोलते हैं कि डिटरमिनेंट इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। किसी इक्वेशन का एक्स और वाई का वैल्यू को पिक्चर में रिप्रेजेंट करना ही डिटरमिनेंट कहलाता है। बात समझ में आ रहा है, तो ये आपका डिटरमिनेंट हो गया सेकेंड ऑर्डर का। आपको दिख रहा होगा अगर इसको मैट्रिक्स से कंपेयर करेंगे तो दो रो और दो कॉलम दिख रहा है, तो ये सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट है। मैट्रिक्स को बिग ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते थे, डिटरमिनेंट को मॉड जैसा रिप्रेजेंट करते, मॉड यानी बोलेंगे उसको दो डंटा लगाते हैं, और इसका वैल्यू होता है ए बी सी डी, अगर लिखा रहे तो इस पिक्चर का जो वैल्यू होता है ए डी माइनस सी बी। बस आप इतना समझ जाए कि ये सेकेंड ऑर्डर पिक्चर का वैल्यू कैसे निकलता है, तो बस आपको दिया रहेगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके घटा देना। चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं,
आपको एक पिक्चर दिया है, मान लीजिए 3, 2, 1, -5 बोल रहा है, इस पिक्चर का वैल्यू बताइए। तो क्या करेंगे, आपको सिखाया गया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके घटा देना है। तो चलिए सब लोग इसका वैल्यू बताइए कितना आएगा, जल्दी 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 कमेंट करके इसका वैल्यू बताइए। चलिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं, 3, 5 जा 15 तो -15 और इधर से करने बाद माइनस देते हैं तो -3, 2 जा 2 तो 15 -2 तो -70। बहुत अच्छे आप लोग समझ रहे हैं। तो आप ये समझे कि एक पिक्चर है जिसका वैल्यू निकालते हैं कैसे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ध्यान दो वो पिक्चर सेकेंड ऑर्डर का, सेकेंड ऑर्डर का कहने का मतलब यहाँ इसमें 2 रो और 2 कॉलम। चले इसको अब क्या करते हैं, इसको मैट्रिक्स से कंपेयर करते हैं। तो आपके बुक में डिटरमिनेंट का डेफिनेशन दिया गया है कि डिटरमिनेंट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, आपको दिख ही रहा होगा इसमें 2 रो और 2 कॉलम है। तो डिटरमिनेंट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स विच गिव्स ए वैल्यू, जो एक मान देता है। आप मैट्रिक्स में पढ़े थे, मैट्रिक्स इज द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट, मैट्रिक्स जो होता है वस्तु का सजावट होता है, वस्तु को सजाते हैं तो वो मैट्रिक्स होता है। उसमें क्या वो वैल्यू नहीं देता है, लेकिन जो डिटरमिनेंट है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जो वैल्यू देता है। हम लोग मैट्रिक्स का वैल्यू नहीं निकालते हैं, हम लोग डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालते हैं। बुक में बस इतना कहके छोड़ दिया गया है। तो आप समझे कि इक्वेशन, आप इक्वेशन से आप देखें कि वो इक्वेशन को आसान करने के लिए, उसके एक्स और वाई का वैल्यू को आसान के लिए एक पिक्चर दे दिया गया और वही पिक्चर डिटरमिनेंट था। बुक का डेफिनेशन पर नहीं जाना है, क्योंकि डिटरमिनेंट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं समझ में आया था, बस स्क्वायर शेप में वो वैल्यू कैसे देता ये नहीं समझ में आया। आपको इक्वेशन से वैल्यू समझ में आया तो आप जैसे रटे बुक से रट, बुक का डेफिनेशन रटे, या आप ऐसे रटे डिटरमिनेंट इज ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, किसी इक्वेशन का पिक्चर में रिप्रेजेंट करना, सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करना डिटरमिनेंट कहलाता है। तो अब बात आता है कि मैट्रिक्स को बिग ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते थे, यहां डिटरमिनेंट को, मैट्रिक्स जो रहेगा उसका आप दांत तोड़ दीजिएगा। तो आप दांत तोड़ दीजिएगा तो आपका जो बन जाएगा वो आपका डिटरमिनेंट बन जाएगा, बस इतने से अंतर है रिप्रेजेंट करने में। ये अगर ऐसा लिखा रहे बिग ब्रैकेट तो आप समझिएगा वो मैट्रिक्स है, और ऐसा लिखा रहे तो समझिएगा डिटरमिनेंट है। मैट्रिक्स का वैल्यू नहीं निकलता है, डिटरमिनेंट एक वैल्यू देता है। वैल्यू कैसे निकालते तो आपको अभी हम सेकेंड ऑर्डर का बस कैलकुलेशन करके दिखाए। अब वहां मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते थे, यहां भी डिटरमिनेंट को आप कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करें, या नहीं तो आप डेल्टा से रिप्रेजेंट करें। डेल्टा मतलब एक त्रिभुज जैसा शेप। अब मान लीजिए ये दिया है ए बी सी डी, तो इवैल्यूएट करने देगा तो आप पहले क्या करें उसको डेल्टा मान लें। तो डेल्टा इज इक्वल टू ए डी माइनस सी बी। तो इस प्रकार से आप सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट का वैल्यू निकाल सकते हैं। ध्यान रखिएगा बस अभी हम सेकेंड ऑर्डर सीखे, थर्ड ऑर्डर का थोड़ा धीरे धीरे सीखेंगे। अब आता है फर्स्ट ऑर्डर डिटरमिनेंट। तो पहला टॉपिक आ गया फर्स्ट ऑर्डर डिटरमिनेंट। फर्स्ट ऑर्डर डिटरमिनेंट कहने का मतलब वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें बस एक ही एलिमेंट हो, फर्स्ट ऑर्डर हो, 1 by 1 का हो। सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट का मतलब जिसमें 2 रो और 2 कॉलम हो। थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट का मतलब जिसमें 3 रो और 3 कॉलम हो। तो अभी आता है पहला फर्स्ट ऑर्डर डिटरमिनेंट, तो वैसा डिटरमिनेंट जिसमें बस 1 रो और 1 कॉलम है, क्योंकि अभी हम आपको डेफिनेशन बोले कि डिटरमिनेंट जो होता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होता है और जो मान देता है स्क्वायर शेप में होता है। आप 2 रो और 3 कॉलम नहीं ले सकते, अगर लीजिएगा तो स्क्वायर नहीं बनेगा।
तो सीधा सीधी अगर आपको डिटरमिनेंट लेना है तो जितना रो लीजिएगा उतना ही कॉलम ले, अगर आप चार रो लीजिएगा चार कॉलम लेना पड़ेगा, दो रो लीजिएगा तो दो कॉलम लेना पड़ेगा, एक रो लीजिएगा तो एक कॉलम। तो अभी हम फर्स्ट ऑर्डर डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना सीख रहे हैं। ध्यान रखिएगा ये मॉड नहीं है, बस उसी के जैसा दिखता है। तो मान लीजिए फर्स्ट ऑर्डर डिटरमिनेंट का वैल्यू कैसे निकाले, तो डेल्टा मान लीजिए एक डिटरमिनेंट दिया ए वन वन, एक रो और एक कॉलम, तो बोलता है फर्स्ट ऑर्डर डिटरमिनेंट का जो वैल्यू होता है उतने होता है ए वन वन, जो दिया रहा उतने आप निकाल करके छोड़ दीजिएगा। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आता है सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट, सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट। सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट कहने का मतलब जिसमें दो रो और दो कॉलम हो, तो दो रो और दो कॉलम हो तो आप मैट्रिक्स में सीख चुके हैं एलिमेंट का पोजीशन कैसे लिखते हैं, आप ए बी सी डी करके लिखें या तो पोजीशन करके लिखें, आप आपकी मर्जी, आपको जो लिखना है। तो हम यहाँ क्या करते हैं पोजीशन दे देते हैं ए वन वन ए वन टू ए टू वन ए टू टू। अगर आपको इसका वैल्यू चाहिए तो आप क्या करें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके घटा दें, तो ए वन वन ए टू टू माइनस ए टू वन ए वन टू। ध्यान रहे इधर से इधर घटाए, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट में ऊपर से नीचे जाए, ये ना कि नीचे से ऊपर चल जाए तो गलत हो जाएगा, आपका उल्टा आ जाएगा, पांच आने की जगह माइनस पांच आ जाएगा। तो आप सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट का वैल्यू निकाल सकते हैं। सबको समझ में आ रहा है अच्छे से? तो इस प्रकार से आप फर्स्ट ऑर्डर डिटरमिनेंट का वैल्यू निकाल सकते हैं, सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब आता है थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट का वैल्यू कैसे निकालें। थर्ड ऑर्डर मतलब जिसमें तीन रो और तीन कॉलम हो, तो बोलता है थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालने के लिए आपको बहुत सारा टर्म सीखना पड़ेगा, उसके बाद तभी आप थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट का वैल्यू निकाल सकते, नहीं तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो चलिए पहले हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने इवैल्यूएट थ्री फोर टू माइनस वन। आपको इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने दे तो आप समझ जाना कि ये डिटरमिनेंट है, जिसमें जो बोले अभी दांत तोड़ करके रहे वो डिटरमिनेंट ही है। तो इसका वैल्यू निकालने दे, पहले आप क्या करना इसको डेल्टा मान लेना, बार बार हम बोल रहे डेल्टा मानिएगा, नहीं मानिएगा तो आगे चल के कैलकुलेशन में कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, ऐसे आएगा नहीं लेकिन कभी कभी आ सकता है। तो ध्यान रखिएगा अभी से प्रैक्टिस करना है इसको डेल्टा मानने का। अब डेल्टा मान लिए, अब इसका वैल्यू निकालना है, तो थ्री फोर टू माइनस वन। अब इसका वैल्यू निकालने के लिए क्या किए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, तो थ्री इंटू माइनस वन तो माइनस थ्री, माइनस टू इंटू फोर तो एट, तो इसका जो वैल्यू निकल गया आपका माइनस अलेवन। तो इस प्रकार से आपका सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट का वैल्यू निकाल लीजिएगा। तो चलिए एक और क्वेश्चन लिख देते हैं, आप जल्दी जल्दी इसका वैल्यू कमेंट करके बताइए। फाइव माइनस टू टू और माइनस थ्री, चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए इसका वैल्यू।
चलिए चेक करते हैं, 5 गुना -3 तो -15, -2 गुना -2 तो -4। आपको बार बार साइन का ध्यान रखना है, तो -15 -+ तो -15 + 4 आपका -11। बहुत लोग -19 लिख दिए। प्रॉब्लम यह है कि आप साइन नहीं देखते हैं, कैलकुलेशन करते समय जबरदस्ती करते हैं, ऐसा नहीं करना है। आप इधर से इधर माइनस इधर से इधर करना है, इन है कि इधर से इधर कर दिए, माइनस और प्लस का ध्यान नहीं रखे। 5 + 15 तो -15, साइन का भी ध्यान रखना है, -2 गुना -2 तो -4, तो 5 -+ तब -11 आएगा, 19 नहीं आएगा। बहुत लोग -19 लिखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए इस बार कोई गलती नहीं करिएगा। 4 3 -2 -3, चलिए 4 3 -12 -6 तो 12 -+6 तो आपका आ गया -6। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। बस वहां 4 के जगह XYZ लिखा रहेगा, कुछ भी लिखा रहेगा, तो आपको बस कुछ करना नहीं है। सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना, ABCD कोना कोनी गुना करके घटा कर देना, इससे ज्यादा कुछ सोचने नहीं। AD - CB, ध्यान रहे आप थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन करिएगा तो आपका सवाल थर्ड ऑर्डर वाला आसानी से बनेगा, नहीं तो आप फंस जाइएगा। तो चलिए आप लोग समझ गए कि सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट का वैल्यू कैसे निकालते हैं। अब इसमें एक टर्म है कि इसको मैट्रिक्स से भी रिलेट किया गया है। कैसे? तो अभी हम आपको बोले कि डिटरमिनेंट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स विच गिव्स ए वैल्यू। मैट्रिक्स वैल्यू नहीं देता है, डिटरमिनेंट वैल्यू देता है, लेकिन तो वो भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है। तो इसको मैट्रिक्स के एक फॉर्मूला से रिलेट किया गया, मैट्रिक्स के एक फॉर्मूला से रिलेट किया गया है, जिस फॉर्मूला को बाद में आपको समझा दिया जाएगा, बस आप सवाल देख लें। तो नोट कर लीजिएगा कि फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर एन, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर एन, देन के इंटू ए का डिटरमिनेंट। अब ए मैट्रिक्स है, उसमें के से गुना कर दिया, अब मैट्रिक्स को क्या बना दिया, डिटरमिनेंट इक्वल टू के पर पावर एन इंटू ए का डिटरमिनेंट। एक मैट्रिक्स ए है, उसमें के से गुना कर दिया, गुना करने के बाद अब उसको डिटरमिनेंट बना दिया। बनाने के बाद बोलता जो उसका मान निकलेगा वो के पर पावर एन गुना ए के डिटरमिनेंट के बराबर, जहां ए एक मैट्रिक्स है उसको डिटरमिनेंट बना दिया गया। अब यहाँ के क्या है, कोई कांस्टेंट है, 2 3 4 5 7 9 कुछ लिखा रहेगा। एन क्या है, मैट्रिक्स का ऑर्डर, वो फर्स्ट ऑर्डर का मैट्रिक्स है या सेकंड ऑर्डर का मैट्रिक्स है। थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स रहा तो एन का वैल्यू 3, फोर्थ ऑर्डर का मैट्रिक्स रहा तो एन का वैल्यू 4, मतलब वो किस शेप का है, 2x2 का है कि 3x3 का है। सेकंड ऑर्डर मतलब 2x2 का, मतलब एन का वैल्यू 2 हो जाएगा। तो आप इस फॉर्मूला को देख ले, के इंटू ए का डिटर्मिनेंट, के पर पावर एन इंटू ए का डिटर्मिनेंट, ऑब्जेक्टिव में इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए इस पर एक क्वेश्चन करते हैं। लिखिए, आज क्या हुआ कि प्रोजेक्ट टाइप नहीं कर पाए क्वेश्चन, तो हम बोर्ड पर ही लिख रहे हैं। लिखिए, आप देखते रहिएगा, इफ ए इज 2x2
स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए का डिटरमिनेंट नहीं है बराबर जीरो के, सच दैट डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो, ए का डिटरमिनेंट का मान जीरो नहीं है एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू फाइव और ए का डिटरमिनेंट का वैल्यू पांच है, देन फाइंड थ्री इंटू ए का डिटरमिनेंट, इसका मान निकालें, फाइंड थ्री इंटू ए का डिटरमिनेंट। तो आपको फॉर्मूला सिखाया गया कि के इंटू ए का जो डिटरमिनेंट होता है के पर पावर एन इंटू ए का डिटरमिनेंट, यहां आपको थ्री ए का डिटरमिनेंट निकालना है, तो थ्री ए का डिटरमिनेंट बराबर थ्री पर पावर, यहाँ के का वैल्यू थ्री है। अब पावर कितना लिखें, तो यहाँ जो मैट्रिक्स है वो टू बाय टू का है, तो एन का वैल्यू टू लिख दिए और ए का डिटरमिनेंट आपको दिया है फाइव, तो नौ गुना पांच तो आपका फोर्टी फाइव इस प्रकार से आपका निकल जाएगा। तो आप बस इस फॉर्मूला को रट लें, k इंटू ए का डिटरमिनेंट बराबर k पर पावर n इंटू ए का डिटरमिनेंट, इस फॉर्मूला पर पुट करिए, आपका बहुत सारा क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन है, मान लीजिए आपके सामने 2 बाय 2 नहीं दे करके 3 बाय 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट दिया और a का डिटरमिनेंट का वैल्यू 5 के जगह माइनस फोर दिया, तो बोल रहा है थ्री ए का वैल्यू निकालें, चलिए जल्दी जल्दी निकालिए आप लोग। जल्दी जल्दी निकालिए कितना आएगा, बहुत लोग बोल रहे हैं माइनस 108, कुछ लोग बोल रहे हैं 324, कैलकुलेशन आराम से करना है, बहुत लोग 45 बोल रहे हैं, बस आप लोग क्या करते हैं ना कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट नहीं करते, गुना करने में गलती करते हैं और कुछ नहीं, आप समझ सब रहे हैं। चलिए देखते हैं, तो यहां आपको 3a का चाहिए, 3a का डिटरमिनेंट इक्वल टू 3 पर पावर कितना, तो थर्ड ऑर्डर का 3a का डिटरमिनेंट आपका माइनस 4, 3 का क्यूब 27, तो माइनस 27 गुना 4, 27 गुना 54 माइनस 108, तो आपका माइनस 108 आ जाएगा इस सवाल का वैल्यू। सब लोग को समझ में आ रहा है, शशि सिंह कैलकुलेशन करो, आप लोग करते नहीं है, 135 बोलते हैं, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का वैल्यू रख दिए, 27 को 4 बार पढ़िएगा 108 आएगा और माइनस है आपका। चलिए बहुत अच्छे, अब आप समझ गए फर्स्ट ऑर्डर डिटरमिनेंट का वैल्यू कैसे निकालते हैं, सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट का वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो आपका आर एस अग्रवाल का पहला चैप्टर जिसमें बस सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट दिया है और कुछ डिटरमिनेंट से रिलेटेड क्वेश्चन दिया है, उसको आप बना लीजिएगा। थर्ड ऑर्डर का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग कुछ टर्म पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आपको एक डिटरमिनेंट दिया थर्ड ऑर्डर का, थर्ड ऑर्डर का दिया तो हम लिख दे रहे हैं पोजीशन के साथ लिख दे रहे हैं, ए बी सी डी नहीं लिख रहे हैं, ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री
A21, A22, A23, A31, A32, A33। आपको एक थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट दिया है, ध्यान रखिएगा ये मैट्रिक्स नहीं है, ये वैल्यू देगा। अब इसका वैल्यू निकालने अभी नहीं सीख रहे, अभी बहुत सारा नाम सीखेंगे, नाम सीखने के बाद ही इसका वैल्यू निकालेंगे, अभी आप ऐसे नहीं लग जाइएगा वैल्यू निकालने। तो पहला नाम आता है माइनर, माइनर ऑफ एन एलिमेंट, तो लिखते हैं माइनर ऑफ एन एलिमेंट, माइनर ऑफ एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट, एलिमेंट मतलब जो वस्तु है, यहां किसी वस्तु का माइनर। अब वस्तु का नाम A13 भी हो सकता है, A23 भी हो सकता है, A57 भी हो सकता है। अब हमको नहीं पता तो उसको AIJ लिख दिए, माइनर ऑफ एन एलिमेंट AIJ, उसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल MIJ। MIJ का मतलब माइनर ऑफ एलिमेंट AIJ, AIJ एलिमेंट का माइनर। अब माइनर निकालने के लिए तो मान लीजिए M12 का वैल्यू निकालने बोला, M12 का वैल्यू बोलता है किसी एलिमेंट का माइनर निकालना है, अगर किसी एलिमेंट का अगर माइनर निकालना है तो वो एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में उसको ढक दीजिए। अगर किसी एलिमेंट का माइनर निकालना है तो वो एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में है उसको ढक दीजिए, तो आपको एक पिक्चर दिखेगा, वो पिक्चर ही उसका माइनर कहलाता है। जैसे M12 मतलब पहला रो और दूसरा कॉलम, M12 यहां ये एलिमेंट है तो ये एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में उसको ढक दीजिए, तो ये एलिमेंट इस रो है इसको ढक दिए, ये एलिमेंट इस कॉलम में इसको ढक दिए। जो बचा एक पिक्चर उसको दे दीजिए, तो आपका A21, A23, A31, A33 बचा, ये आपका M12 का वैल्यू निकल गया। अब इसके बाद आपका आता है कि आप इसको कैलकुलेट कैसे करें, A21, A33 माइनस A31, A23, तो आप M12 का वैल्यू इस प्रकार निकाल लिए। मान लीजिए आपके सामने में दिया सब लोग यहां तक समझ रहे हैं M12 का वैल्यू कैसे निकला। चलिए हम लोग अब बोलता M32 का वैल्यू चाहिए, किसका वैल्यू M32 का, तो M32 तो तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो को ढके और दूसरा कॉलम का ढके, बढ़िया से देखिएगा, ढकने के बाद M32 मतलब तीसरा क्षैतिज रो और दूसरा वर्टिकल कॉलम, वर्टिकल लाइन, तो तीसरा और दूसरा को ढके, तो तीसरा रो और दूसरा रो को ढके, तो देखिए क्या क्या दिख रहा है आपको, यहां लाइनिंग दिख रहा होगा आपको, समझना वो सब है। तो आपको दिख रहा है A11, A13, A21 और A23। अब इसका वैल्यू निकालने बोलेगा A11, A23, आप अभी सीखे कि कोना कोनी गुना करके निकाल घटा दीजिए A21, A13, तो आप M32 का वैल्यू निकाल लिए। चलिए एक क्वेश्चन लिखते हैं, मान लीजिए आपको सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट का वैल्यू दे दिया है, डिटरमिनेंट दिया है, वैल्यू नहीं, सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट दिया है A11, A12, A21, A22। अब मान लीजिए आपके पास चार क्वेश्चन है कि M11 का वैल्यू निकालिए कितना है,
एम मतलब माइनर, कहीं कहीं कैपिटल ए भी लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं, वहां नाम लिख देगा कैपिटल ए माने माइनर। तो यहाँ एम लिख रहे तो आप डायरेक्ट समझिएगा माइनर है। एम वन वन का वैल्यू, वन वन मतलब पहला रो और पहला कॉलम को ढक दीजिए, तो पहला रो पहला कॉलम को ढकने के बाद आपको एक गो पिक्चर में दिखेगा, चार गो दिखा इसलिए पिक्चर बना दिए, एक गो दिख रहा है सीधा सीधी लिख दिए ए टू टू। तो आपका एम वन वन का जो वैल्यू है ए टू टू है। दूसरा आपका मान लीजिए एम वन टू का वैल्यू पूछे, एम वन टू का वैल्यू मतलब पहला रो और दूसरा कॉलम को ढकना है, तो पहला रो और दूसरा कॉलम को ढक दिए, तो पहला रो और दूसरा कॉलम को ढकने के बाद देखिए आपको क्या दिखेगा ए टू वन, एक ही एलिमेंट दिखेगा। तीसरा आपका आता है एम, मान लीजिए टू वन का वैल्यू निकालने बोल दिया, एम टू वन का वैल्यू, तो दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो और पहला कॉलम को ढक दिए, दूसरा रो पहला कॉलम के ढकने के बाद जो दिखा ए वन टू। मान लीजिए चौथा क्वेश्चन बोला एम टू टू का वैल्यू निकालिए, एम टू टू का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो दूसरा रो दूसरा कॉलम को ढक देंगे, तो दूसरा रो दूसरा कॉलम को ढक दीजिए ए वन वन। इस प्रकार से आप सारे एलिमेंट का माइनर निकाल सकते हैं, जिसका दे माइनर निकालने उसका निकाल सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपको सबका देगा बोलेगा एम वन टू का वैल्यू निकालिए एम टू टू का वैल्यू निकालिए, जिसका दे आप क्या करना हो वो जिस रो और जिस कॉलम में उसको ढक देना, तो एक पिक्चर दिखेगा, पिक्चर सेकंड ऑर्डर का भी दिख सकता है, फर्स्ट ऑर्डर भी दिख सकता है, आपको जितना ऑर्डर का, अगर सेकंड ऑर्डर का दिखे तो डंडा लगा देना और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके घटा देना, अगर डिटरमिनेंट सेकंड ऑर्डर का रहा तो एक कक्के को दिखेगा तो एक कक्के टो लिख देना है। तो इस प्रकार से आप माइनर निकाल सकते हैं। तो बात आता है कि किसी अगर एलिमेंट का माइनर निकालना है तो माइनर निकालने के लिए वो एलिमेंट जिस रो जिस कॉलम में है उसको ढकिए, एक पिक्चर दिखेगा, वो पिक्चर ही उसका माइनर कहलाता है। सबको समझ में आ रहा है? चलिए बहुत अच्छे, सब लोग बढ़िया से समझ रहे हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। मान लीजिए आपको डिटरमिनेंट दिया 3, 2, 4, -5, आपसे डायरेक्ट पूछा एम टू टू का वैल्यू बताइए, तो दूसरा रो दूसरा कॉलम को ढकेंगे तो बोलिए कमेंट करके कितना आएगा एम टू टू का वैल्यू। एम टू टू का वैल्यू चलिए M22 का वैल्यू, दूसरा रो और दूसरा कॉलम को ढके तो आपको 3 दिख रहा है। चलिए बहुत अच्छे आप लोग समझ रहे हैं। M21 का अगर वैल्यू पूछे तो दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो और पहला कॉलम को ढके तो 2 मिल जाएगा, तो जो पूछे आप बता देना। आपके सामने में थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, चलिए थर्ड ऑर्डर को लिख रहे हैं A11 ए वन टू ए वन थ्री ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री ए थ्री वन ए थ्री टू ए थ्री टू ए थ्री थ्री। बोल देता एम टू टू का वैल्यू बताइए, तो एम टू टू का वैल्यू निकालने के लिए एम मतलब माइनर निकालना, तो दूसरा रो और दूसरा कॉलम को ढकेंगे, तो दूसरा रो और दूसरा कॉलम आपके पास दो हाथ रहता ही है, दो तो उंगली रहता है, आप उसका इस्तेमाल करें ढकने में आसानी होगा, यहां बड़ा इसलिए हम हाथ से ढक रहे हैं। दूसरा रो और दूसरा कॉलम ढकिए, देखिए आपको दिखेगा चार एलिमेंट दिखेगा ए वन वन ए वन थ्री ए थ्री वन ए थ्री थ्री। अब चार एलिमेंट है ऐसे नहीं लिखते, उसको एक पिक्चर दे देते हैं। तो M22 का जो वैल्यू निकल गया आपका A11
ए थ्री थ्री माइनस ए थ्री वन ए वन थ्री। अब इसको जो मान रहेगा उसको वैल्यू रखिएगा, आपको कैलकुलेट करके निकल जाएगा। मान लीजिए आपका दूसरा क्वेश्चन दे दिया एम थ्री टू का वैल्यू चाहिए, थ्री टू मतलब तीसरा रो को ढकना है और दूसरा कॉलम को ढकना है, जो बचे उसको लिख देना है। तो लिखते हैं तीसरा रो और दूसरा कॉलम को ढकने के बाद ए वन वन ए वन थ्री ए टू वन ए टू थ्री। अब इसको कैलकुलेट कर लें, ए वन वन ए टू थ्री माइनस ए टू वन ए वन थ्री। तो हम समझ रहे हैं कि आप माइनर समझ गए। आप क्या करिएगा, अपने से क्वेश्चन लिख लीजिएगा और सारे एलिमेंट का माइनर निकाल लीजिएगा। सेकेंड ऑर्डर का भी एक क्वेश्चन ले लीजिएगा, एक थर्ड ऑर्डर का अपने से लिख लीजिएगा, जो मन करे नंबर लिख लेना, दो तीन पांच सात नौ पांच छह कुछ भी मन करे। एक सेकेंड ऑर्डर में चार ठो माइनर निकलेगा, थर्ड ऑर्डर में नौ ठो माइनर निकलेगा, तो आप निकाल लीजिएगा। इससे फायदा ये होगा कि आपको कैलकुलेशन करने में आसानी होगा। तो आपके लिए होमवर्क रहा एक सेकेंड ऑर्डर का चारों एलिमेंट का माइनर निकालने का और एक थर्ड ऑर्डर का नौ एलिमेंट का माइनर निकालने का। हम सबको नहीं निकालने, बस आपको कैलकुलेशन समझा रहे हैं, मतलब समझा रहे हैं माइनर क्या होता है। चलिए आपके सामने में क्वेश्चन है, अब वैल्यू पास जाते हैं क्वेश्चन के लिए। फोर थ्री टू टू थ्री नाइन फोर फोर माइनस थ्री। आपको बोल दिया कि एम वन वन का वैल्यू निकालिए, एम वन वन का। तो आप एम मतलब माइनर समझ रहे हैं, माइनर का मतलब पहला रो और पहला कॉलम को ढकने के बाद जो बचा वो उसका माइनर कहलाता है। तो पहला रो और पहला कॉलम को ढकिए, तो देखिए आपके सामने में दिखेगा थ्री नाइन फोर माइनस थ्री। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो तीन तिया नौ माइनस नौ, नौ चौका छत्तीस माइनस छत्तीस, तो छत्तीस नौ पैतालीस, तो माइनस पैतालीस। तो एम वन वन का वैल्यू आपका 45 निकल गया। दूसरा आता है एम टू वन का वैल्यू, नहीं मान लीजिए टू वन का वैल्यू चाहिए, एम टू वन का वैल्यू निकालना है। तो टू वन मतलब दूसरा रो और पहला कॉलम, दूसरा रो और पहला कॉलम का ढकने के बाद आपको देखिए दिखेगा थ्री टू फोर माइनस थ्री। तो एम टू वन का वैल्यू माइनस नाइन माइनस एट, तो माइनस सेवनटीन। मान लीजिए आपको एम थ्री थ्री का वैल्यू निकालने दे, तो एम थ्री थ्री का वैल्यू मतलब तीसरा रो और तीसरा कॉलम को ढकेंगे, जो दिखेगा वही एम थ्री थ्री है। तो ढकने के बाद आपका फोर थ्री टू थ्री दिखेगा। अब इसको आप जानते ही कैलकुलेट करना, ट्वेल्व माइनस सिक्स तो आपका सिक्स। तो हम यहाँ आपको दो तीन ही निकाल करके दिखा रहे हैं, आप क्या करिएगा नौ निकाल लीजिएगा तो आपका माइनर निकल जाएगा। तो इस प्रकार आप माइनर सीख गए। ध्यान रखिएगा आपका बस फर्स्ट एक्सरसाइज ही बनेगा, सेकंड एक्सरसाइज नहीं बनेगा। सेकंड एक्सरसाइज के लिए हम लोग बहुत सारे बातों को सीखेंगे, अभी बस आप एक माइनर सीखे। अगला टर्म आता है आपका क्या, कोफैक्टर। तो मान लीजिए एक डिटरमिनेंट दे दिया ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री ए थ्री वन ए थ्री टू ए थ्री थ्री। चलिए दूसरा नाम आता है को फैक्टर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे इक्वल टू माइनस वन, माइनस वन पर पावर आई प्लस जे इंटू एम आई जे। कोफैक्टर
इज इक्वल टू माइनस वन पर पावर आई प्लस जे इंटू माइनर ऑफ दैट वन, माइनर आता ही है बस एगो टर्म माइनस वन पर पावर आई प्लस जे। जैसे मान लीजिए आपको दिया सी वन टू का वैल्यू निकालने, सी वन टू, तो वन टू का वैल्यू निकालने तो माइनस वन पे पावर आई का वैल्यू वन, जे का वैल्यू टू, तो वन प्लस टू इंटू एम वन टू। बस कोफैक्टर और माइनर में एक अंतर है कि माइनस वन पर पावर आई प्लस जे होता है और कुछ नहीं होता है। अब सी वन टू, माइनस वन पे पावर वन प्लस टू थ्री, तो माइनस माइनस वन पे पावर थ्री इंटू एम वन टू। एम वन टू आप जानते ही है, पाला रो दूसरा कॉलम को ढक दिए, दूसरा कॉलम को ढकने के बाद ए टू वन, ए टू थ्री, ए थ्री वन और ए थ्री थ्री बचेगा। बस आप एक माइनस लग गया, माइनस वन पे पावर थ्री, तो माइनस इसका वैल्यू आप जानते ही है, ए टू वन, ए थ्री थ्री माइनस ए थ्री वन, ए टू थ्री। आपको समझ में आ रहा है कोफैक्टर निकालने के लिए? मान लीजिए आपको सी टू टू का वैल्यू दे दिया, तो माइनस वन पे पावर आई प्लस जे, आई का वैल्यू टू, जे का वैल्यू टू इंटू एम टू टू। अब सी टू टू का वैल्यू देगा तो माइनस वन पे पावर फोर, तो डायरेक्ट हम प्लस लिख दे रहे हैं एम टू टू, एम टू टू, दूसरा रो दूसरा कॉलम को ढकेंगे ए वन वन, ए वन थ्री, ए थ्री वन, ए थ्री थ्री। तो इस आप इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, ए वन वन, ए थ्री थ्री माइनस ए थ्री वन, ए वन थ्री। तो इस प्रकार आपका सी टू टू का भी वैल्यू निकल जाएगा। मान लीजिए आपको दिया रहा सी थ्री थ्री का वैल्यू, तो माइनस वन पे पावर थ्री प्लस थ्री इंटू माइनर ऑफ एम थ्री थ्री। तो सी थ्री थ्री का वैल्यू माइनस वन पे पावर माइनस थ्री थ्री, सिक्स इवन नंबर तो प्लस हो गया, थ्री थ्री का वैल्यू, तो तीसरा रो तीसरा कॉलम को ढके ए वन वन, ए वन टू, ए थ्री वन, ए थ्री टू। अब क्या करें, इसको आप घटा दे गुना करके, ए वन वन, ए थ्री टू, माइनस ए थ्री वन, ए वन टू। तो इस प्रकार से आप माइनर और कोफैक्टर निकाल लेंगे। तो चलिए एक बस छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए आपको एक डिटरमिनेंट दिया रहा फोर थ्री टू वन, फोर फोर फाइव थ्री फोर, बोल दिया सी वन टू का वैल्यू निकालिए। किसका वैल्यू? सी वन टू का। तो चलिए आप लोग भी कमेंट करके बताइए सी वन टू का वैल्यू कितना आएगा, जल्दी जल्दी। सी वन टू का वैल्यू चलिए बहुत लोग जवाब दे रहे हैं जल्दी, इसी तरह आप लोग फास्ट कमेंट करते रहिए। सी वन टू का माइनस वन पे पावर वन प्लस टू इंटू एम वन टू। सी वन टू का वैल्यू माइनस वन पे पावर थ्री, तो माइनस एम वन टू, पाला रो दूसरा कॉलम को ढक दिए तो वन फोर फाइव फोर। तो आपका सी वन टू का वैल्यू माइनस चार पांच चौका बीस, तो बीस चार में बीस गया, माइनस और माइनस सोलह, तो आपका सोलह निकल जाएगा। बहुत अच्छे। मान लीजिए सी थ्री टू का वैल्यू पूछा, तो माइनस वन पे पावर थ्री प्लस टू। चलिए देखिए इधर एम सी थ्री टू का वैल्यू पूछा, तो सी थ्री टू माइनस वन पे पावर थ्री प्लस टू इंटू एम थ्री टू।
तो सी थ्री टू का वैल्यू माइनस वन पे पावर थ्री टू फाइव तो माइनस हो जाएगा, एम थ्री टू का वैल्यू तीसरा रो और दूसरा कॉलम को ढके तो फोर टू वन फोर, तीसरा रो दूसरा फोर टू वन फोर, इसका वैल्यू जो निकल गया माइनस ऑफ सोलह माइनस दो तो सोलह में दो गया चौदह तो माइनस फोर्टीन। चलिए एक लास्ट देखते हैं, सी वन थ्री का वैल्यू तो माइनस वन पे पावर वन प्लस थ्री इंटू एम वन थ्री तो सी वन थ्री का वैल्यू माइनस वन पे पावर फोर तो प्लस एम वन थ्री, पहला रो तीसरा कॉलम तो वन फोर फाइव थ्री तो सी वन थ्री तो प्लस है थ्री माइनस ट्वेंटी तो माइनस सेवेंटी। तो इस प्रकार आपका कोफैक्टर का वैल्यू निकल गया माइनस सेवनटीन, सेवनटीन नहीं माइनस सेवनटीन, तीन माइनस बीस तो माइनस सत्रह। चलिए बहुत अच्छे, तो आज आप लोग बेसिकली क्या सीखे कि डिटरमिनेंट कहते किसको हैं, दूसरा ये सीखे कि फर्स्ट ऑर्डर डिटरमिनेंट का वैल्यू कैसे निकालते हैं, तीसरा ये सीखे कि सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट का वैल्यू कैसे निकालते हैं, चौथा ये सीखे कि माइनर क्या होता है, पांचवा सीखे कि कोफैक्टर क्या होता है। तो बस आप इतना ही सीखे, आप सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना अभी नहीं सीखे। बस आपके लिए ये होमवर्क है कि आरएस अग्रवाल के पहले एक्सरसाइज को आप पूरा कंप्लीट कर ले जिसमें सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट हो, माइनर कोफैक्टर से रिलेटेड सवाल हो। थर्ड ऑर्डर में अभी जाना नहीं है, अगर आपकी इच्छा तो आप बना सकते हैं, नहीं तो आपको थर्ड ऑर्डर में नहीं जाना। अभी बहुत सारा टर्म और सीखेंगे तब आप थर्ड ऑर्डर का वैल्यू निकालना सीखेंगे। चलिए बहुत अच्छा, आज इतना देर तक लाइव रहने के लिए धन्यवाद, और अगले क्लास भी आप मेरे साथ बने रहेंगे इसी कामना के साथ। धन्यवाद सबको, और आप कोशिश करें सवाल बनाने का, बनाते रहिएगा। चलिए थैंक यू सबको।